नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिले के हायाघाट, हनुमान नगर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं केवटी प्रखंड के 27 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 8 पंचायत पूर्णतः एवं 19 पंचायत अंशतः प्रभावित है। वहीं बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। वहीं हनुमान नगर प्रखंड के गोडियाड़ी पंचायत के जुवेर की माने तो मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस सड़क से एक दर्जन से ज़्यादा पंचायत के लोग प्रतिदिन अपने काम से आते और जाते हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। परेशानी हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। देख रहे पला कितना बह रहा है, दिक्कत हो रही है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। कितने गांव के लोग प्रभावित हुए? 10-12 गांव के हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ कुछ साधन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी कैसे आर पार करते हैं आप लोग? ऐसे ही जान पे खतरा करके जाते आते रहते हैं। डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि जिले के आधा दर्जन प्रखंड के 27 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के तौर पर कम्युनिटी किचन को लेकर सभी व्यवस्था को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी प्रवेश की है, इसको लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। सभी लोगों को SOP के तहत प्राथमिकता के तौर पर सभी व्यवस्था, जो भी कम्युनिटी किचन हो, पशु चारा हो, पानी की व्यवस्था हो, सारे चीज़ें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हम लोग भी इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अमित कुमार, ETV भारत, दरभंगा।